ललित साउंड देखते हैं करते हैं कुछ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं साउंड आ रही है क्या शुभम शुभम वेरी गुड मॉर्निंग आकर्ष ने बोल दिया नाउ ऑडिबल संजय ने बोला सर साउंड प्रॉब्लम तो एक बार फिर से क्लियर कर दो सब ओके okay है ना ललित ने भी ओके okay बोल दिया येस yes तो बोला है चलो ठीक है शुभम का भी आंसर आ गया येस yes, सर चलो ठीक है गुड मतलब मैं

जो कि आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट मॉड्यूल नंबर वन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट फोर है और लास्ट पार्ट है ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसके इमीडिएटली बाद आपका डीपीक्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है उमेश उमेश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर और वेरी वेलकम मुझे लगता है कि आप अभी 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 आपने ज्वाइन किया ये वाला चैनल तो आपके लिए ऑल द बेस्ट और वेरी गुड मॉर्निंग तो आप में से जितने भी ऐसे हैं जो एकदम न्यू व्यूअर्स हैं आप सबको बता दूं कि क्लासेस का टाइम टेबल रेगुलरली आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर हो रहा है और इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा डेली रोज का टाइम टेबल टाइम स्लॉट ऑलमोस्ट फिक्स है बिल्कुल उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं ठीक है टॉपिक्स वगैरह भले चेंज होते हैं तीनों ही ब्रांचेस की क्लासेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है क्रैश कोर्स में तो वो आपको मिस नहीं करना है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये ज्योति को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हाँ उमेश मैं समझ गया था फर्स्ट टाइम आप आए हो ना इसीलिए आपको मैं बता रहा था कि टाइम टेबल आपको टाइम टू टाइम कैसे मिल जाएगा ठीक है क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सर टाइम टेबल कहां से मिलेगा तो इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको अभी यहाँ पे मिल जा रहा है तो आप उसको उसके थ्रू आप कनेक्ट कर दो ठीक है ठीक है ठीक है हाँ भाई मोहन भी आ गया है तो मोहन वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है चलो तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं आज का लेक्चर

तो वो अपनी जो जो पुरानी रेंज थी उससे ज्यादा रेंज की क्वांटिटीज को भी बहुत आसानी से मेजर कर लेगा इंपॉर्टेंट था ये ठीक है निकिता आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मंडे का दिन है जोरदार मॉर्निंग है अच्छे से पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हम लोग जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप जिस भी सेमेस्टर में होंगे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है खासतौर तो पर बोल रहा हूं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप डिप्लोमा के हो या बी बीटेक के हो सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अब देखते हैं इसमें और क्या मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि रेंज एक्सटेंशन जो है वो जरूरी इसीलिए होता है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग डिवाइस को इतनी कैपेबल बना दे कि वो अपनी एक्चुअल रेंज से ज्यादा रेंज की क्वांटिटी को भी मेजर करके बता सके ठीक है तो पहला तो हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिव कि इससे आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाएगी सिस्टम की जब आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं एक साथ सीरीज पैरल उस कंडीशन में और फिर आप उसको सप्लाई के अक्रॉस लगाते हैं तो वो आपका एंटायर सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और अगर उस पूरी सीरीज में से पूरी चेन में से कोई एक डिवाइस फेल हो गया सो इन दैट केस वो नेक्स्ट इंपॉसिबल हो जाता है कि आपका टाइम पे आपका टास्क कंप्लीट हो पाए ठीक है थर्ड सेम में है शुभम ने लिखा हुआ है थर्ड सेम में भी है तो वेरी गुड वेरी गुड परफेक्ट है थर्ड सेम में राइट है, right है। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी कारण से इसको हम लोग अलग से टाइम दे रहे हैं अदरवाइज हम चाहते तो कल भी इसको डिस्कस कर लेते शॉर्ट में खत्म कर सकता था मैं बट इसको डिटेल में आराम से पढ़ेंगे इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे सर्किट देखेंगे और इसको मैं थोड़ा दूसरे अप्रोच से आपको समझाऊंगा यानी आज के इस लेक्चर में हम इसके पूरे के पूरे सेक्शन के डेरिवेशन को सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ जिस बच्चे को आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ओम्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं बहुत आसानी से बन जाएगा आप लोगों से ठीक है चलिए देखते हैं लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द मूविंग कॉल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन कैरी अ मैक्सिमम करंट ऑफ अबाउट फिफ्टी मिली सेफली एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द मूविंग कॉल इज अबाउट फिफ्टी मिली वोल्ट तो कल मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस भी किया था कि जो मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा एक एक एवरेज जो मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा फिफ्टी मिली एमपियस की करंट को सेफली कैरी कर सकता है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फिफ्टी मिली वोल्ट जो है वो सेफली प्रोवाइड कर सकता है उस सिस्टम में ठीक है इससे ज्यादा रेंज की अगर आपको करंट मेजर करवानी है तो फिर तो ये इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ही नहीं होगा और आपको ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अगर आपको एक एम्पियर की भी करंट मेजर करनी है तो आप देखोगे इसकी सेफ्टी लिमिट तो सिर्फ इसको 50 मिली एमपियर मेजर करने की क्षमता जो है वो प्रोवाइड करती है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी आपको ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी और जैसा कि मैंने आपको बताया इन पूरी चेन में से पूरी सीरीज में से अगर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी फॉल्ट आता है तो पूरा सिस्टम आपका कोलेप्स हो जाएगा ठीक है तो ये रीजन है कि हम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है हम उसी की रेंज को बढ़ा देते हैं कैसे बढ़ाते हैं समझेंगे तो लिखा हुआ इट तो मतलब इंस्ट्रूमेंट की रेंज को बढ़ाना बोलने का मतलब यह है कि जो सप्लाई आप मेजर कर रहे हो उसको रिड्यूस कर लो जो उस इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचती है उसको आप ऐसे लिमिट तक रिड्यूस कर लो कि वो आपकी मेजरेबल लिमिट के अंदर आ जाए और फिर आप उस प्रोपोर्शन में उसकी वैल्यू दिखा दो ठीक है देखते हैं ये सब कैसे होता है तो देखो सबसे पहला लिखा हुआ है रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर ठीक बात करते हैं दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज के पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग एक होगा एमीटर और दूसरा होगा वोल्ट मीटर ठीक है तो रेंज एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एमीटर मेजर क्या कर रहा है एमीटर जो है वो क्या मेजर कर रहा है तो एमीटर जो है इट इज अ मेजरिंग डिवाइस Which measures सप्लाई करंट इट पहला चीज क्लियर ठीक सप्लाई करंट आई को मेजर कर रहा है इसकी यूनिट एम्पियस में यहां तक तो पता है हम लोगों को इसके बाद एक दिन हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस किया था जब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे एक एग्जाम्पल लेके पूछा था वहां पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था कि अगर सपोज कर लो कि हमारे पास यहां पर तीन रजिस्टर्स होते ठीक है, तीन रजिस्टर्स होते हैं पे कुछ सप्लाई मैंने प्रोवाइड कर दिया इनके पूछता कि R2 के कितनी करंट जा रही है।, ये करना है और मैं आपको एक एमीटर दे देता एमीटर दे देता ठीक दे 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 है तो ये एमीटर के टर्मिनल्स को आप इस R2 के अक्रॉस कैसे कनेक्ट करते हैं कनेक्ट करते हैं इसकी करंट को निकालने के लिए तो ऑप्शन था दो आप सीरीज में कनेक्ट करोगे आर टू के साथ या उसके पैरेलल में कनेक्ट करोगे ठीक है ये मेरा क्वेश्चन था लास्ट टाइम का तो आपको ये बताना था कि अगर इस सिस्टम में आर टू रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट जा रही है ये मुझे पता लगाना है तो मुझे इस एमीटर को इस आर टू के साथ सीरीज में लगाना सही रहेगा या पैरेलल में लगाने से वो सही करंट देगा ये मेरा क्वेश्चन था और ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आज भी है रीज में मोहन का आंसर आ गया सीरीज में एकदम परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड मोहन बहुत बढ़िया उमेश पैरल वाला डाउट जो है आपका उसको मैं क्लियर करूंगा अभी ठीक है ज्योति ने लिखा है सीरीज में कनेक्ट करेंगे बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया परफेक्ट है एकदम सही है गुड ठीक है आप लोगों का आंसर मिल गया उमेश का आंसर जो है उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करवाऊंगा अभी जस्ट दो मिनट रुक जाओ उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं देखो उमेश क्या होता है अगर हम लोग यहां पे करंट को पैरल एमीटर को पैरल में कनेक्ट कर देते हैं के साथ तो सीरीज जो जो सिस्टम है अपना वो कैसा दिखेगा देखते हैं ऐसा दिखेगा अपना एमीटर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ठीक है ऐसे दो पॉइंट्स पे ठीक चलो एक एग्जांपल लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल में अगर सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि यहां से सोर्स के थ्रू पांच एम्पियर की करंट आ रही है ठीक है क्वेश्चन मेरा ये था कि टू रेजिस्टेंस से कितनी करंट गुजरेगी वो फाइंड करना है मुझे आप मुझे सोच के बताओ कि सीरीज के कंडीशन में क्या करंट बदलती है क्या जब भी सीरीज सर्किट होता है अगर कोई पांच एलिमेंट एक साथ सीरीज में लगे हुए हैं तो पांचों के अंदर से सेम करंट गुजरने वाली है ये तो क्लियर है ठीक है अब आपको अगर इसको मेजर करने के लिए आपको एमीटर लगाना है और आपने सपोज कर लो ऐसे पैरल में कनेक्ट कर दिया सो इन दैट केस ये पूरी पांच एम्पेयर यहां तक तो आएगी लेकिन उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दो अलग अलग ब्रांचेस में आपको पता है करंट की टेंडेंसी है ना अगर आपने उसको अलग अलग ब्रांचेस दिया पानी की तरह जैसे पाइप के अंदर पानी बह रहा है और फिर आगे चल के आपने पाइप में स्प्लिटर लगा दिया स्प्लिट कर दिया उसको दो पार्ट में तो वो पानी भी दोनों तरफ चला जाएगा ठीक है अनलेस अंटिल की आप एक तरफ का वॉल्व पूरी तरह से जीरो ना कर दो तब तक पानी दोनों तरफ बहता रहेगा ठीक है आपको उसको एक तरफ ही अगर डाइवर्ट करना है तो आप एक दूसरे साइड का जो वॉल्व है उसको क्लोज करके जीरो कर दोगे ताकि वहां कुछ भी पानी ना जाए बस एग्जैक्टली exactly वैसे करंट भी फ्लो होता है कंडक्टर्स के अंदर कैसे वर्क करता है ये पांच एम्पियर पूरा यहां तक आया आपने एमीटर चूकी पैरल में लगा के रखा हुआ है तो कुछ करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गई और कुछ करंट बाकी की करंट जो है वो आर टू रजिस्टेंस के अक्रॉस से जाने लग गई आर टू रजिस्टेंस के थ्रू जाने लग गई ठीक तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि चलो एमीटर है इसकी रेजिस्टेंस भले कम भी या बहुत ज्यादा भी मैंने रखा है इवन इन दैट केस हो सकता है कि यहां वन एमपीयर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और यहां फोर एम्पियर जा रही है ठीक है मान मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होगा हाँ बिल्कुल सही उमेश सही लिखा हुआ आपने कि बट सर करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द लो रेजिस्टेंस पाथ वो तो एकदम सही है तो देखो यहां पे अगर मैं इस करंट को दो ऑप्शन दूर सपोज कर लो एक छोटे से सर्किट से आपको समझाता हूं इजी है कुछ कोई दिक्कत नहीं है आप तुरंत समझ जाओगे देखो क्या होता है अगर सपोज यहां से दस एम्पेयर की मैं करंट भेजता हूं एक रेजिस्टेंस मैंने इसके सेक्शन पे लगा के रखा हुआ है ये रेजिस्टेंस जो है मेरा ये है हंड्रेड ओम्स का ठीक है और इसके सामने दूसरा रेजिस्टेंस लगा के रखा है मैंने वन ओम्स का ठीक है तो आपने जो जो लिखा हुआ है करंट के बारे में वो एकदम सही लिखा हुआ है लेकिन उसी लॉजिक के हिसाब से आप यहां पे भी अपन चेक करेंगे ठीक है अब क्या होता है कि जैसे ही एक तरफ हमने 100 ओम लगाया और दूसरी तरफ 1 ओम लगाया तो लो रेजिस्टेंस पाथ कौन सा मिलना चाहिए इसको लो रेजिस्टेंस पाथ ये वाला होगा है ना दिस इज इट्स लो रेजिस्टेंस पाथ जबकि दिस वन इज द हाई रेजिस्टेंस पाथ तो इंपॉर्टेंट है कि क्या पूरी की पूरी दस एम्पियर यहां से गुजरेगी क्या क्या मैं ऐसा पाऊंगा क्या कि यहां पे 10 एम्पियर मिल रहा है तो ऐसा नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जानते हो क्या होगा ये केस हमको नहीं देखने को मिलेगा ये केस नहीं मिलेगा क्या होगा कुछ करंट तो जाएगी मैक्सिमम करंट यहां से जाएगी मैक्सिमम करंट इसी बात के अंदर से जाएगी लेकिन थोड़ी सी करंट जो है वो इसके अंदर से भी गुजरेगी यानी इस पॉइंट पे आने के बाद अब ये करंट जो है वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इस पॉइंट पे आने के बाद करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो हो सकता है हो सकता है पॉसिबल है कि 9 एम्पियर तक की करंट अगर यहां जा रही है तो फिर एक एमपियर आपका यहां भी जाएगा यानी अगर आपने पैरेलल पाथ प्रोवाइड किया है तो आप एक तरफ बहुत हाई रेजिस्टेंस रख दो और एक तरफ लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रख दो तो वो करंट तब तक डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी जब तक कि आपका कोई एक ब्रांच जीरो रेजिस्टेंस का ना हो जाए या जब तक कि दूसरा ब्रांच इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का ना हो जाए बस यही दो केस है जिसमें कि पैरेलल कनेक्शन होने के बाद भी करंट एक ही ब्रांच से गुजरेगी सिर्फ यही कनेक्शन इसको ध्यान रखना मैंने मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला बोला करंट तब तक जाती रहेगी जब है कि मैंने इस पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर दिया सिर्फ उसी केस में पूरी की पूरी दस एम्पियर इसके अंदर से गुजरेगी और दूसरा केस क्या ले लेते हैं कि अगर सपोज अगर सपोज मैंने दूसरी वाली ब्रांच पे कितने का रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने लगा दिया इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया इनफाइनाइट ओम्स का रेजिस्टेंस गुड मॉर्निंग विकास वेरी गुड मॉर्निंग डियर इनफाइनाइट का रेजिस्टेंस लगा दिया बोलने का मतलब क्या होता है किसको बोलते हैं इनफाइनाइट ओम किसको बोलते हैं इनफाइनाइट ओम भाई इनफाइनाइट ओम का मतलब होता है ओपन सर्किट ऐसा कर दिया दिस इज नोन एज इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस तो अगर मैंने ओपन सर्किट कर दिया तभी भी सारी की सारी करंट करंटर उसके अंदर से जाएगी लेकिन लेकिन अगर कुछ भी वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में है है अदर देन तो तो फिर करंट डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट होगी ठीक है? ये अपने को पता रहना चाहिए एकदम ठीक तो यहां हमारे पास इंफानाइट तो है नहीं है ना यहां पे हम लोगों ने बहुत हाई वैल्यू है चलो आप हंड्रेड भी नहीं वन थाउजेंड होम्स का रेजिस्टेंस लगा लो वन किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा लो और उसके पैरेलल में वन ओम का रेजिस्टेंस बस लगाओ या पॉइंट फाइव का रेजिस्टेंस लगा लो ठीक है

हो सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी हो एज कंपेयर टू एमटर एमीटर की रेजिस्टेंस को मैं बहुत हाई कर लेता हूं ठीक है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत हाई कर लेता हूं इवन इन दैट केस कुछ ना कुछ करंट तो ये शेयर कर लेगा ना और जो रिमेनिंग करंट होगी वही जाएगी अब आर टू से तो इससे दो नुकसान हुआ क्या नुकसान हुआ पहला तो सीरीज में होने की वजह से जो पांच एम्पियर इसके अंदर जानी चाहिए थी वो नहीं पहुंची उसमें से कुछ करंट चली गई पैरेलल पाथ जो आपने प्रोवाइड किया दूसरा नुकसान क्या होगा कि जो एमीटर है अपना जो ये जो एमीटर है ना

ये एल और बी भी हो गया हमारा कॉन्स्टेंट तो एक ही चीज है जो करेंट जो कि उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल कर रहा है और अगर करेंट की मैग्नीट्यूड यहां पे 1 जाएगी तो तो ये जो डिफ्लेक्शन शो शो करेगा वो तो 1 शो करेगा वो उसी के हिसाब से है ना तो मतलब ये जीरो वैल्यू से आगे कितनी दूर तक डिफ्लेक्ट होगा तो अगर आपका ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट है अगर आपका ये इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा है और इस पर आप ऐसा रीडिंग ले रहे हैं इससे है ना ये जीरो है ये फिर वन है फिर टू है ऐसा करते हुए थ्री है इस टाइप से अगर ऐसा कुछ है तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो है ये जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो तो वन एम्पियर की ही शो करेगा क्योंकि इसको कितनी करंट मिल रही है वन एम्पियर तो ये आपको दिखाएगा कि रेजिस्टेंस में करंट जा रही है जबकि एक्चुअल में आर टू रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है फोर एम्पियर की करंट जा रही है और एक्चुअल में अगर ये नहीं लगा होता है ऐसे पैरेलल में तो कितनी करंट जाती है तो उस केस में इसके थ्रू फाइव एमपियर की करंट जाती है अलग कंडीशन में आ जाएंगे क्योंकि हमको पता है कि जो सारे एलिमेंट सीरीज में होते हैं वो सेम करंट शेयर करते हैं या उल्टा में बोलू तो जो एलिमेंट सेम करंट शेयर कर रहे होते हैं वो सब सीरीज में होता है आप जब उनको सॉल्व करोगे तो R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करते हैं लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में अगर ये अलग करंट शेयर कर रहा है सो इट विल बिकम इन पैरल विद दो कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गया इसकी इसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट भी चेंज हो गई ये सबसे बड़ा इश्यू जाता है ऐसे केसेस में ठीक है हाँ, बसंत ने कुछ मैसेज लिखा हुआ है सर वरुण सर का मशीन वाला क्लास क्यों नहीं हो रहा है सर करके अच्छा वरुण सर की मशीन वाली क्लास जो है वो डेफिनेटली कंडक्ट होगी थोड़ा सा मैंने जैसे आप लोगों को बताया कुछ शेड्यूल का इशू चल रहा है कुछ प्लान वगैरह कर रहे हैं वो भी काफी सारा कुछ आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट अलग तरीके से भी और वो लेके आने वाले हैं तो देखो अच्छी चीज जो जो बेस्ट थिंग होती है ना उसके प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ा सा टाइम वेट कर लो आप लोग डेफिनेटली उनकी क्लास शुरू होगी और जोरदार तरीके से शुरू होगी मतलब इस ड्यूरेशन में जितनी जो क्लास नहीं हुई है ना उसका पूरा कवरअप आपको वो करवा देंगे बहुत अच्छे से मतलब वो जो इस ड्यूरेशन में जो क्लासेस नहीं हुई हैं मशीन की जो आप लोगों ने मिस की तो डेफिनेटली उसका पूरा कवर अप आपको मिल जाएगा इतने जोरदार तरीके से वो पढ़ाने वाले हैं कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेके आने वाले तो उसमें घबराना नहीं है वरुण सर है आप लोगों के साथ वो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही प्लान लेके आते हैं हर बार ठीक है तो इंपॉर्टेंट है तो अभी ये चीज क्लियर हो गया ना उमेश ये चीज आप मेरे को बताना ठीक है कि ये चीज क्लियर हुआ ना आपको कि एमीटर को हम लोग पैरल में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं अगर हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में होता है जब

करंट होती है वो इट ऑलवेज फ्लोज थ्रू द एलिमेंट द करंट ऑलवेज फ्लोज द करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू द एलिमेंट जब भी आप बुक में पढ़ोगे या कोई भी न्यूमेरिकल बनाओगे तो जहां पे करंट पूछा हुआ है आपसे जहां ये पूछा हुआ है कि बताओ कितनी करंट जा रही है इस ब्रांच के अंदर तो हमेशा लिखा रहेगा इंग्लिश में कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू वन ओम रेजिस्टेंस फ्लोइंग थ्रू फाइव ओम ये हमेशा थ्रू वर्ड आएगा करंट के केस में और जब भी आपको वोल्टेज फाइंड करने को बोला जाएगा ना जहां पे भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड द वोल्टेज तो हमेशा इंग्लिश में उसके लिए ऐसा लिखा होगा कि अगर वोल्टेज है तो हमेशा ये लिखा रहेगा कि फाइंड द वोल्टेज फ्लोइंग अक्रॉस द एलिमेंट ये दो वर्ड को अगर आप लोग समझ गए तो फिर कभी गलती नहीं होगी क्या दो वर्ड है करंट है तो हमेशा इट विल फ्लो थ्रू द एलिमेंट तो कोई भी चीज अगर थ्रू में जा रही है तो उसको मेजर करने के लिए आपको डिवाइस को सीरीज में लगाना पड़ेगा कोई भी चीज अगर अक्रॉस में जा रही है अक्रॉस है तो मतलब किसी दो पॉइंट्स पे है तो मतलब हमेशा आपको पैरेलल कनेक्शन बनाना पड़ेगा उसके लिए ठीक है तो फिलहाल जैसे यहां पे यहां पे पे हमको हमको क्या फाइंड फाइंड करना करना था करंट करंट तो एमीटर कहां पे लगेगा इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा एमीटर जो होगा हमारा वो सीरीज में कनेक्ट होगा क्या फायदा है और क्या नुकसान है फायदा यह है कि सीरीज में होने की वजह से जो पांच एम्पियर जा रहा था इस रेजिस्टेंस के अंदर एग्जैक्टली सेम फाइव एम्पियर इस एमीटर से होता हुआ पहुंचेगा आर टू रेजिस्टेंस पे एग्जैक्टली सेम फाइव एम्पियर की करंट यहां से होते हुए आर टू में पहुंचेगी और बिना चेंज हुए ये सेम करंट में भी जाएगी और यहां से होते हुए सर्किट कंप्लीट होगा पहला चीज दूसरा फायदा ये होगा कि इन दिस केस जब ये फाइव एम्पियर इसके अंदर से गुजरेगी तो याद करो जो मैंने आपको बताया था कि पिछली बार जब एमीटर के अंदर एक एम्पियर करंट गुजरी तो उसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था दैट वॉज डिपेंडेड अपॉन दैट वन एम्पियर ड्यू टू दिस फॉर्मूला

और मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको शो करेगी कि कितनी एमपियर की करंट इस रजिस्टर के थ्रू गुजर रही है क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है तो करंट को चेंज नहीं कर सकती तो यही रीजन है कि हम लोग एम को किसम कनेक्ट करते हैं ऑलवेज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज वेयर एज अगर मैं आपको बोलता कि इस R2 के थ्रू या इस आर टू के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करो तो आप यहां पर कनेक्ट करते किसको वोल्ट मीटर को अगर हमको वोल्टेज यही फाइंड करना होता ना इसी मशीन के अक्रॉस तो हम लोग क्या करते हैं इस आर टू के स्टार्टिंग पॉइंट में एक टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और उसकी एंडिंग पॉइंट पे दूसरा टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और हमको सीधे सीधे इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है ठीक है ये कंसेप्ट एकदम ध्यान रखना आप लोग तो अभी यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर और हमको ये देखना है कि एक एमीटर को कैसे एलिजिबल कर दें कि वो ज्यादा एम्पियर की करंट मेजर कर सकता हो ठीक है तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी है वो पॉइंट्स लेके आते हैं बोर्ड पे तुरंत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूरी है तो यहां मैं लिख लेता हूं कि रेंज रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर ठीक है सपोज कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास एक एमीटर है सपोज कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास एक एमीटर है उसका सर्किट बना लेते हैं इधर कहीं पे ठीक है और इस एमिटर की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगी ये तो जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था तो ये एमिटर जो है इसकी कुछ अपनी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ठीक ऐसा कुछ इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आपको जानने चाहिए वो मैं आपको अभी के अभी बता देता हूं पहले तो सपोज कर कि यहां पे एक एमिटर है ठीक है एमिटर के अंदर के क्या क्या टर्म्स आपको पता होने चाहिए तो भाई पहला टर्म है इसकी आर एम इट्स आर एम ज द मीटर रेजिस्टेंस कोई भी मीटर आप लगा रहे हो कोई भी मशीन लगा रहे हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो डेफिनेटली उसकी खुद की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी तो लास्ट में नोटेशन uh, भी लिख दूंगा अभी फिलहाल इसको समझते हैं तो मान लेते हैं कि इस मीटर की कुछ खुद, खुद की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी दूसरा चीज यहां पर यह एज्यूम कर लेते हैं कि यहां जो सप्लाई सोर्स हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग तो वहां से जो करेंट जा रही है उसको मैं लिख लेता हूँ आई टी टोटल सप्लाई करेंट विच इज टू बी मेजर्ड ठीक है फिर नेक्स्ट कुछ इसकी आई एम भी होगी तो यहां पर आईएम जो है वो मीटर करंट बोलते हैं या इसी को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं सारे टर्म्स में बोर्ड पे लिख लेता हूं तो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा इसको समझना ठीक है तो यहां लिख लेते हैं कि लेटस अज्यूम लेटस अज्यूम दैट द गिव एन एमीटर इन द गिवें एमीटर क्या क्या टर्म्स है हमारे तो भाई पहला टर्म हो गया हमारा आर एम आर एम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर देन आई एम इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट ऑफ द मीटर इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा अभी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता क्या है ठीक है वैसे ही आई टी इज द टोटल सप्लाई करेंट टोटल सप्लाई करंट टू बी मेजर्ड यानी यही वो सप्लाई करंट है जो आपको मेजर करना है तो ध्यान रखना कि रेंज आपको बढ़ाना है कि जरूरत तभी पड़ रही है जब आपका आई जो है इट इज ग्रेटर देन आई एम ओनली इन दैट केस यू नीड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ दैट मशीन इसको ध्यान रखना आप लोग ठीक है ये इंपॉर्टेंट था देन नेक्स्ट यहां पे अगर मुझे रेंज बढ़ाना है तो चीज में से एक कुछ करूंगा या तो मैं सीरीज में इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस लगाऊंगा जो इस करंट को शायद लिमिट कर दे और या तो मैं पैरल में इसके साथ को रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा जो कि इसकी करंट को लिमिट कर दे अल्टीमेट गोल ये है एक एग्जांपल ले लो आप लोग तो आसानी समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल ये है कि अगर सपोज मुझे दस एम्पियर की करेंट को मेजर करवाना है इससे ठीक है और अभी फिलहाल इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 1 इसकी फुल फुल स्केल स्केल देखो डिफ्लेक्शन बोलने का मतलब ये होता है कि जब जो आपका मशीन है उसकी स्केल के आखिरी वैल्यू तक ये डिफ्लेक्शन अगर हो गया तो दैट टर्म इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो वो कहां पे हो रहा है एक एम्पियर की करंट पे यानी आपकी जो एमीटर है वो मिली एम्स की रेंज पे मेजर कर रही है और फाइनल वैल्यू जो ये दिखा सकती है आखिरी वैल्यू एट द हाइएस्ट पॉसिबल पॉइंट दैट इज वन एम्पियर एक एम्पियर ज्यादा से ज्यादा ये मेजर कर सकती है ठीक है और अब हम लोग चाहते हैं कि ये दस एम्पियर की करंट को मेजर कर ले समझ गया ना पूरा फंडा तो इस केस में कितना करंट एक्स्ट्रा है आपके पास आपके पास एक्स्ट्रा करंट कितना है नाइन एम्पियर इज दैट एक्स्ट्रा करंट जो ये नहीं मेजर कर पाएगी तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो नौ एम्पियर जो है वो इस मीटर के अंदर जाए ही ना क्योंकि अगर वो नाइन एम्पियर आपने इसके अंदर भेज दिया तो आपकी मशीन खराब हो जाएगी क्योंकि इसकी तो रेंज ही है वन एम्पियर की ठीक है तो इस 10 एम्स को हम लोगों को डिफ्लेक्ट करना है डाइवर्ट करना है जो मशीन तक ना पहुंच पाए तो अगर मैंने सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो हमको पता है सीरीज में करंट हमेशा सेम रहती है सीरीज में करंट डाइवर्ट नहीं हो सकती है करंट को अगर आपको चेंज करना है डाइवर्ट करना है तो आपको पैरल में रजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा ठीक है आपको किसमें कनेक्शन देना पड़ेगा इन पैरल तो मतलब यह है कि अब मुझे यहां से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के लिए एक नया पाथ देना पड़ेगा और यहां जो रेजिस्टेंस में लगाऊंगा इसका नाम मैं लिख दूंगा क्या इट विल बी टर्म आर एस एच क्योंकि पैरल कनेक्शन है रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इट विल बी नोन एज शंट रेजिस्टेंस, ठीक है और यही रीजन है कि हम लोग बोलते हैं कि एमीटर की रेंज अगर बढ़ानी है तो आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा आर एस एच दैट इज रेजिस्टेंस या शॉर्ट में इसी को शंट बोलते हैं कि भाई एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट लगाना जरूरी है ठीक है ये कारण होता है कि जिसकी वजह से हमको में रेजिस्टेंस लगाना क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो नौ एम्पियर जो है ना वो यहां से गुजर जाए बाईपास कर ले इसको और यहां तक पहुंचे सिर्फ वन एम्पियर तो अब जब वो जिस रेंज पे जब वो आपको रीडिंग दिखाएगा तो आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं आप उसको उतने मल्टीपल्स के फॉर्म में समझ सकते हैं कि टेन की रेंज में तो मतलब अगर ये वन दिखा रहा है तो मतलब ये दिखा रहा है इस तरीके का टेन का मल्टीपल बना के आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक तो ये इंपॉर्टेंट था इसी कारण से हम लोग इसको ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो चलो बाकी के टर्म्स का भी नाम लिख लेते हैं तो भाई अगर मैंने शंट में रेजिस्टेंस लगाया है तो इसके थ्रू कुछ करंट भी जाएगी तो उस करंट का नाम लिख लेंगे आई एस एच शंट एस आरएसएच इज द शंट रेजिस्टेंस तो लिख लेता हूं इसको भी आर एस एच इज द रेजिस्टेंस आई एस एच is the shunt current. ठीक है आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको ओम लॉ से ही बनाना सिखाऊंगा डायरेक्ट एकदम ठीक है आराम से समझना बहुत इजी है आराम से समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में ठीक है तो इतने टर्म्स आपको पता होना चाहिए एमीटर का केस है तो दो चीज पे आप एकदम ज्यादा ध्यान देना कौन कौन सी दो चीज है ये आई एम जो है ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ठीक है और ये आई जो है ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये दो थोड़े अलग टाइप के टर्म्स हैं ये दोनों टर्म का मतलब जो है ये कहां चेंज हो जाएगा ये जब वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंशन आप जब पढ़ोगे तो वहां पे ये दोनों वर्ड्स का मतलब बदल जाएगा ठीक है इसको थोड़ा ध्यान देना आप लोग इंपॉर्टेंट है ये हा उमेश बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आर एस एच की वैल्यू इज लोअर देन एमीटर आर एस एच वैल्यू शुड भी लोअर देन एमीटर बिल्कुल राइट और पता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एस एस सी में जहां कि ये पूछा हुआ है कि अगर आप एमीटर लगाते हो तो जो आप उसकी रेंज एक्सटेंशन के लिए जो रेजिस्टेंस लगाओगे, उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए तो वहां पे फिर चार ऑप्शन में एक जगह का ये भी ऑप्शन है कि उसकी वैल्यू लो रहेगी फ्रॉम दैट एमीटर रेजिस्टेंस ये एस एस जे का क्वेश्चन है जो, जिसका आपने आंसर लिखा हुआ है बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत इंपॉर्टेंट चीज था यह और कल से अपनी डीपीक्यू शुरू हो रही आज भी डीपीक्यू का एक आध दो क्वेश्चन तो करेंगे ही और कल से तो फिर डीपीक्यू की सीरीज ही है तो उसमें तो आपको ये सबके पूरे मिलने वाले हैं तो एकदम रहना है अपन को उसके लिए ठीक बढ़िया उमेश वेरी गुड तो ये जो दो टर्म्स है इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा वहां पर फिलहाल इसका मीनिंग ये है कि आई एम विल डिनोट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई एम बता रही है कि आपका मीटर ज्यादा से ज्यादा कितना करंट मेजर कर सकता है और आई टी बता रहा है आपको कि टोटल सप्लाई करंट जो मेजर किया जाना है उस पूरे सिस्टम के अंदर इतने को मेजर करना है हमको ठीक है अब देखते हैं कि इसको हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बताओ आप लोग ये मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है तो पता ही है हम सबको कि यहां पे कौन सा चीज है जो अननोन है जिसकी वैल्यू फाइंड करने की नीड है तो दैट तो इज आर एस एच यही वो अननोन टर्म है कि हमको पता कैसे चलेगा जब ऑन फील्ड प्रैक्टिकली जब इस चीज को करना पड़ेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से ये इतनी करंट को झेल लेगा इतनी करंट को मेजर कर लेगा तो उसी के लिए ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है जो अभी जस्ट बोर्ड पे कर लेते हैं हम लोग ठीक है कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर थ्योरी का क्या है थ्योरी तो बोर्ड पे लिखी हुई है पढ़ लेंगे उसको बहुत ईजी है तो अब शुरू करते हैं चलो इसका डेरिवेशन पार्ट अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट तो भाई चलो डेरिवेशन पार्ट में देखते हैं डेरिवेशन पार्ट में चलो इसी को देख के इसी को आइडियल देख के हम लोग एक चीज समझते हैं मुझे पता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ वोल्टेज बन रही है नहीं यहाँ पे जिसको कि मैं वी लिख सकता हूं बिटवीन दीज टू पॉइंट अगर मीटर के, के केस में बात करूं तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस की वोल्टेज है वी और वैसे ही ऊपर इन दो पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज कहलाएगी वी एस एच क्योंकि शंट की वोल्टेज है ठीक है और वैसे यहां पे टोटल वोल्टेज भी कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे वीटी हाँ, मोहन ने लिखा भी हुआ करंट डिवीजन रूल वेरी राइट परफेक्ट एकदम सही है करंट करंट डिवीजन रूल से 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 भी आप तुरंत तुरंत निकाल सकते हो इसको बट बिल्कुल एलिमेंट्री अगर मैं से, मैं समझाऊं एकदम बेसिक जैसा कि पढ़ा ही रहा हूं इसमें तो हम लोग एकदम बेसिक भी अगर कुछ भी नहीं जानते हैं ना तो ओम्स लॉ तो जानते ही है ना मिनिमम से मिनिमम ओम्स लॉ तो जानते ही है तो उसी से बन जाएगा क्या दिक्कत है देखो हमको पता है इन दो पॉइंट का क्रॉस की वोल्टेज है वीएम पैरल होने के कारण वो बराबर होगी किसके वी के तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि सीधे सीधे लिख सकता हूं कि वी नो दैट वी नो दैट वी एम इज इक्वस टू वी एस एच ठीक है एंड बाय ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं वीएम को क्या लिख सकते हैं वीएम कैन बी रिटर्न एज आई एम इन टू आर एम एंड इट इज इक्वस टू आई एस एच इन टू आर एस एच क्लियर के हिसाब से ठीक है तो साइड में मेंशन कर देता हूं मैं कि बाय ओम्स लॉ ये कहां से आया इट केम है यहां तक तो ओके okay. अब इसके बाद वैल्यू किसकी फाइंड करनी है वो फोकस पॉइंट है हमारा ठीक है इसको भूलना नहीं है हमको फाइंड करना है आरएसएच को कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो बस यहीं से सबसे पहले अगर मैं लिख दू नाओ कि कि और आर एस एच विल बी इक्वल टू I into upon I -S -H. देखो इस पूरे डेरिवेशन में याद रखने वाला कोई चीज ही नहीं है आप सिर्फ सर्किट अगर सही बना ली और नोटेशन सही लिख ली तो अपने आप बन जाएगा आपसे कोई इसमें दम नहीं है ठीक है यहां पे मैंने क्या लिखा कुछ नहीं किया बस आर एस एच को यहां छोड़ा और आईएसएच को इधर डिवाइड में ले आया थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचो कि अगर आप एक एक्चुअल में एक फील्ड पे हो एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और उस केस में आपको वाकई में जरूरत पड़ती है रेंज एक्सटेंशन की जो कि पड़ती है बिल्कुल पड़ती है हम लोगों को भी पड़ी हुई जब मैं भी इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मुझे भी इस चीज की जरूरत पड़ी थी और प्रैक्टिकली हम लोगों ने जो चीज आपको मैं अभी बोर्ड पर समझा रहा हूँ वो एक्चुअल फील्ड में हम लोगों ने किया हुआ है इसी कारण से मैं आपको उस एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ कि जब एक्चुअल में ये जरूरत पड़ी तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि आई एस एच कितना जाएगा वहां से क्योंकि जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है अगर आपको ये पता ही होता कि वो 10 एम्पियर की है तो फिर मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ती है है ना हमको एक बस रेंज पता होता है एक अंदाजा होता है कि चलो ये ज्यादा से ज्यादा इतने तक होगी एक अंदाजा होता है प्रैक्टिकली बता रहा हूं थियोरिटिकली तो चलो आपको यहां लिखा हुआ है कि दस एम्पियर है आपके क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि इतने एम्पियर की करंट को मेजर करना है बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली क्या होता है जब ये प्रॉब्लम आती है ना फील्ड में तो हम लोगों को सिर्फ एक अंदाजा होता है कि ये मशीन में इतनी करंट जारी होगी अंदाजे से

माइनस आई एम के फॉर्म में क्योंकि देखो मीटर से रिलेटेड दोनों चीजें आपके पास हर बार अवेलेबल रहेगी क्योंकि आपके मशीन की वो रेटिंग होती है वो जो लिखी होती है उसके ऊपर आप किसी भी कंपनी का मशीन खरीद लो ठीक है आपको ये भी पता होगा कि उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है और आपको ये भी पता होगा उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस खुद की कितनी है ठीक ये दो चीज पता है तो कोशिश करोगी सभी चीजों को इन्हीं वैल्यूज के आसपास में मेंशन करने की तो हमको ये पता है टोटल करंट किस रेंज की जा सकती है ज्यादा से ज्यादा

तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि पुटिंग पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन सो देर फोर इट विल बिकम कि भाई वैल्यू ऑफ आर एस एच अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए लिखोगे आई एम इंटू आर एम आई एम इंटू आर एम होल अपॉन आई टी माइनस आई एम टोटल करंट माइनस मशीन की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट एंड दिस विल बिकम आवर फाइनल फॉर्मूला दिस विल बिकम आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आर एस एच तो यानी अगर आपको शंड फील्ड करेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए आपको यह जानना है कि कितने ओम्स का रेजिस्टेंस लगाने से इतनी करंट का यह वैल्यू कैप्चर कर लेगा मेजर कर लेगा तो आपके पास ये फाइनल फॉर्मूला जो है वो आता है क्लियर दिस वॉज ऑल अबाउट

अब आपको मतलब पता है बताया था उमेश ने बताया था जैसा बता तो रेजिस्टेंस होगा लोअर देन एमीटर क्योंकि जब ऐसा होगा तभी तो ज्यादा करंट जाएगी उसके थ्रू अगर ऐसा नहीं होगा अगर आप आर एस एच को हाई वैल्यू का रख दोगे तो फिर तो मैक्सिमम करंट एमीटर से चली जाएगी इसके थ्रू तो बहुत कम करंट जाएगी तो दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है शंट इज लो वैल्यू रेजिस्टेंस इसीलिए हाईलाइटेड है क्योंकि ये का है. आगे लिखा हुआ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट अब इनका पैरल कॉम्बिनेशन जो है वो सर्किट के साथ सीरीज में जुड़ता है दिस शंट प्रोवाइड बाई पाथ या बाईपास पाथ For extra current, because it is connected across in parallel with the instrument. These shunted instruments can be used to measure the currents many times greater than their normal full scale deflection current. The ratio of maximum current with shunt to the full scale deflection current without shunt is known as the multiplying factor or the multiplying factor of the shunt.

क्या होता है कि जब आप लो वैल्यू का रेजिस्टेंस रखते हैं तो ये हाई लग जा, लग तो करंट है क्या होगा जैसा मैंने आपको में जो बोला था ना exactly ही मैं लिख लेता हूं यहां पर भी तो आपको समझने में आसान होगा मान लो दस एम्पियर की करंट है और मैंने ये माना था कि ये ज्यादा से ज्यादा एक एम्पियर ले सकता है एमीटर तो नौ एम्पियर किसके पास जा रही है नौ एम्पियर इस शंट के थ्रू जा रही है ना

कंडक्टिव हाँ उमेश का आंसर आ चुका है ड्यू टू स्क्वायर लॉसेस एकदम करेक्ट लिखा है यही चीज मैं समझा रहा था कि जब ज्यादा करंट इसके थ्रू जाएगी ना तो ज्यादा हीट डिसिपेशन होगा और ज्यादा हीट डिसिपेशन होगा तो कोई मटेरियल अगर उसका हाई टेम्परेचर कोफिशियंट है उसका टेम्परेचर कोफिशियंट हाई है तो मतलब टेम्परेचर की जरा सी चेंज से वो ज्यादा फिजिकल चेंज देखने को आपको उसके अंदर मिलेगा तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा आपके सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है उस पर उसकी वैल्यू पर असर पड़ेगा और अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर असर पड़ा तो इन दैट केस आपकी एमीटर की वैल्यू एमीटर के अंदर से जितनी करंट जा रही है वो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है तो आपका एमीटर डेंजरसली एक प्रॉब्लम के स्टेट में पहुंच सकता है कि ये तो तो भाई ज्यादा ज्यादा से जादा एक ही ले सकता है ना तो इसके अंदर कुछ चेंज होने से क्या होगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा यहां से जो पहले एक एम्पियर जा रही थी हो सकता है डेढ़ एम्पियर जाने लग जाए दो एम्पियर जाने लग जाए ठीक है तो उससे आपका एमिटर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं किसी भी कंडीशन में ये जो रेजिस्टेंस शंट में लगाया हुआ है इसकी वैल्यू में ज्यादा बदलाव ना है जितने वैल्यू का कैलकुलेट कर क्योंकि हम लोग उसको कैलकुलेट करके लगा रहे हैं ना है ना हम लोग उसको कैलकुलेटेड फॉर्म में लगा रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि उसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज आए तो डेफिनेटली एक ही चीज है जो चेंज कर सकती है वो है टेम्परेचर तो उसको भी ऐसा सेलेक्ट करो आप कि उसका मिनिमम टेम्परेचर कोफिशियंट हो जाए ऐसा मटेरियल का रेजिस्टेंस डालो उसके अंदर ठीक है चलो आकर्ष की तरफ से ओके आ गया मतलब चलो सब ऑल इज गुड बढ़िया तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं मिनिमम टेपरेचर को फिशन रखते हैं ताकि भाई टेम्परेचर बदले भी थोड़ा बहुत चेंज भी हो टेंचर में तो इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना है जो जितनी वैल्यू का है वो जितनी करंट उसको लेना चाहिए वो उतनी करंट ले उससे कम ज्यादा ना करे ठीक तो ये रीजन है हाँ साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखा है जो हाईलाइटेड है तो इसको समझना जरूरी है लिखा हुआ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम करेंट विथ शंट करेंट है ना ये इस फॉर्म में द रेशियो ऑफ मैक्सिमम करंट विथ शेंट टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट विदाउट शंट

IS, जो करंट हमको शंट के पास यानी ये वो करंट है जो एक्स्ट्रा हो गई है थ्रू नहीं जानी चाहिए तो वो एक्स्ट्रा करंट हम लोग भेजते हैं शंट के थ्रू और ये अपनी सर्किट फिर कंप्लीट करता है ये आई जो है दिस इज अवर टोटल करंट टू बी मेजर जो हम चाहते हैं कि मेजर कर लेकिन आगे बढ़ते हैं चलो ये तो हो गया रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर नेक्स्ट क्या है अच्छा नेक्स्ट है अपने पास रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर हाँ भाई तो इनका नाम जैसा कि आप लोग लोगों ने पढ़ी लिया होगा कि इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लायर्स आर यूज फॉर द रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर्स ठीक है तो इसकी थ्योरी पे थोड़ा बाद में जाएंगे इसकी थ्योरी पे थोड़ा सा बाद में जाएंगे ठीक इसको मैं हटा देता हूं सेकंड पेज में आपको लेके चलता हूं और यहां पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सेम थिंग जैसा हम लोगों ने एमिटर का केस किया था ना एकदम वैसे ही आराम से बनाएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप अबाउट वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंशन तुरंत आपको समझ में आएगा मेजरमेंट का कोई टेंशन नहीं रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो अभी चलो लिख लेता हूं इसको पॉइंट नंबर टू है हमारा रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर्स रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर्स आई गेस की थोड़ा टाइम होगा हम लोगों के पास हाँ यार टाइम है आज तो क्योंकि कंप्लीट करना ही है ना मैंने आपको बोला था कि रेंज एक्सटेंशन शुरू करूंगा तो खत्म करके ही छोड़ेंगे उसको ठीक है इंपॉर्टेंट है करते हैं रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर और, और हड़बड़ी नहीं करेंगे आराम से समझ, समझेंगे हम लोग ठीक है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है तो चलो एक काम करते हैं यहां पे एक वोल्ट मीटर ड्रॉ कर लेते हैं तुरंत यहां पे एक वोल्ट मीटर में ड्रॉ कर लेता हूं ठीक है एग्जैक्टली exactly सेम वैसे ही जैसे कि एमीटर बनाया था मैंने ठीक हाँ भाई तो चलो यहां पर एक वोल्ट मीटर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल प्रॉपर था नहीं वो वाला तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया अब ये वाला रखते हैं ऑटोमेटिकली सर्कल पे लिख लेता हूं। मैं v, ताकि आपको पता रहे कि ये, अब अगर है, तो कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी ठीक है अब अगर इस मीटर की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी तो इसको फिर से मैं लिखूंगा क्या आर एम इस नोटेशन का मतलब भी वही होगा कि इंटरनल ऑफ द मीटर फिर अच्छा अब ये चीज है वोल्ट मीटर तो मतलब ये वोल्टेज मेजर कर रहा है तो मतलब इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के फॉर्म में नहीं फुल स्केल डिफ्लेक्शन इस बार वोल्टेज के फॉर्म में आएगी इसीलिए मैंने पिछली बार हाईलाइट किया था आपको यही बताने के लिए कि यही चीज बदलने वाला है क्या होगा यहां पे इस बार आई एम की जगह पे मैं लिखूंगा वी एम ये वी एम होगा यहां से यहां तक के बीच में ठीक है पिछली बार भी था लेकिन यह हमारा पॉइंट ऑफ फोकस नहीं था हमारा पॉइंट ऑफ फोकस था आई एम क्योंकि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट थी इस बार ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है वोल्टेज के फॉर्म में क्योंकि उसकी रीडिंग में तो वोल्टेज का रीडिंग दिया होगा ना ऑब्वियसली उसके बारे में बात करेंगे हम लोग फिर हमको मेजर भी तो इससे वोल्टेज ही करवाना है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा वी टोटल वोल्टेज टू बी मेजर्ड ठीक चल इसका केस है कुछ टर्म्स में लिख लेता हूं सबसे पहले तो यहां पर कि लेटस अज्यूम लेटस अज्यूम दैट लेटस अज्यूम दैट द वोल्ट मीटर द वोल्ट मीटर हैज फॉलोइंग टर्म्स ठीक है इसके जो टर्म्स हैं वो किस फॉर्म में ऐसे शो हो रहे हैं तो सबसे पहला मैं लिख लेता हूं जो जो टर्म्स हमको पता है दैट इज आर एम इज शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं कि मीटर रेजिस्टेंस मीटर रेजिस्टेंस इन ओम्स है ना वैसे वी एम जो है इस बार वी एम जो है इट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज इन वोल्ट्स हाँ, मोहन ने लिखा है सीरीज रेजिस्टेंस जोरदार है यार मोहन बहुत बढ़िया सीरीज रेजिस्टेंस कारण देखेंगे अभी आंसर आपका एकदम करेक्ट है लेकिन वीटी जो है टोटल वोल्टेज अच्छा हाँ मैं बता दूं आपको कि इसका रेंज एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन कन्वेंशनल पेपर में आया हुआ था एक बार तो अगर ये कन्वेंशनल क्वेश्चन में आता है कन्वेंशनल पेपर में आता है तो आपको ऐसे पूरा सब चीज जमा के लिखना पड़ेगा ठीक है मार्क्स ज्यादा होता है लगभग 25 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है 25 नंबर अगर आपको मिलते हैं तो उस केस में आपको ये पूरी चीजें एकदम वेल प्रॉपर कहां पे क्या क्या टर्म मेंशन करना है वो सब कुछ शो होना चाहिए और हर टर्म का क्या मीनिंग है वो आपको ऐसे अलग से शो करना पड़ेगा आपको आंसर शीट पर लिखना पड़ेगा जो पेपर टू होता है ना कन्वेंशनल एस का उसमें पूछा हुआ था एक बार इसका भी क्वेश्चन वो मुझे याद आया अभी लिखते लिखते मैंने सोचा आपको बता दू टोटल वोल्टेज टू बी मेजर्ड ठीक है उसके बाद इतना जो तीन टर्म मैंने लिखा उसकी वैल्यू तो लिख लिया अब रेंज एक्सटेंशन कैसे करेंगे रेंज कैसे बढ़ाएंगे इसका तो देखो एकदम आराम से समझो बहुत ईजी है एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है चलो इसका एक डेमो एग्जाम्पल लेते हैं मान लो मुझे मेजर करवाना है इससे 400 वोल्ट मान लो मेजर करवाना है 400 वोल्ट ये दिस इज द टोटल वोल्टेज टू बी मेजर्ड यानी कि जितना ये मेजर कर सकता है इन इट्स फुल स्केल इज वोल्ट यानी ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सौ वोल्ट ही मेजर कर सकता है जबकि हम लोग चाहते हैं कि ये चार सौ वोल्ट मेजर कर ले ठीक है इसकी रेंज है सौ की तो मुझे अब कुछ ऐसा चीज चाहिए जो इसकी बची हुई तीन सौ वोल्ट को अलग कर दे इससे इसके तक ना पहुंचने दे ठीक है तो अगर मैं इस केस में अगर मैं इस केस में सोचो कि मैं ऐसे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दूं यहां से ठीक है तो क्या वो बची हुई 300 वोल्ट को ले सकता है क्या तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमको पहले से पता है कि भाई पैरेलल रेजिस्टेंस है तो अगर 100 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा तो 100 वोल्ट वहां पे भी डेवलप हो जाएगा वो तो पैरल में तो वोल्टेज सेम रहती है ना करंट बदलती है बस वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं मिलेगा मतलब तो फिर जितनी वोल्ट जो अगर ये चार सौ है तो पूरा चार सौ यहां मिल जाएगा और पूरा चार सौ वहां पर भी रहेगा तो उसमें कुछ होगा ही नहीं हाँ, मोहन ने सही लिखा हुआ है कि रजिस्टर जो है उस पर चाहिए हमको वोल्टेज ड्रॉप तीन वोल्ट का जो कि पैरल लगाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है हटा देते हैं उसको रेजिस्टेंस वाला तो पार्टी गलत हो जाएगा हमको क्या करना चाहिए ऐसे केस में हमको करना ये चाहिए अगर ऐसा कोई केस है तो क्या करेंगे हम लोग तो भाई एक काम करते हैं इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से यहां तक का ठीक और मैं लगा देता हूं सीरीज में एक रेजिस्टेंस मैं सीरीज में एक ऐसा कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि सीरीज में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है अगर चार रेजिस्टेंस में सीरीज में लगा दूं तो चारों में पोटेंशियल ड्रॉप होगी और पांचवे वाले तक जो पोटेंशियल जो बचेगी वो इन चारों से तो कम ही बचेगी लास्ट में जो बची वो बची तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर का अगर रेंज बढ़ाना है तो टोटल वोल्टेज को देखो पूरा एम समझना पूरा टारगेट ये है कि ये जो टोटल वोल्टेज है ना इसमें से जितना ये मेजर कर सकता है इसको उतना ही दो और बाकी सारा कंज्यूम करवा दो कहीं ना कहीं ठीक है तो उसका आसान तरीका बिल्कुल यही है कि हम लोग लगा देते हैं मल्टीप्लाइंग और, और इसका कुछ नाम रख लेते हैं देखो आरएम वर्ड तो नहीं यूज कर सकते आर एक्स तो कर देता हूं मैं अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है मैं प्रॉपरली यहां पर आर एक्स से डिनोट कर लेता क्लियर है अब क्या होगा कि रिमेन इसको इतनी वैल्यू को मैं बनाऊंगा कि ये 300 वोल्ट का ड्रॉप करवा दे यानी इसकी वैल्यू को मैं थोड़ी बढ़ाते चले जाऊंगा और इतनी बढ़ाऊंगा कि इसकी वैल्यू 300 वोल्ट का ड्रॉप करवा दे तो अब जरा मुझे सोच के बताना कि ये जो रेंज एक्सटेंशन के लिए जो हम लोग मल्टीप्लायर लगाते हैं ये कितनी वैल्यू का होना चाहिए ये लो वैल्यू का होगा इस मीटर के कंपेरिजन में इस आर एम के तुलना में आर की वैल्यू कम होनी ज्यादा अच्छी है या इस आर के कंपेरिजन में आर को हाई रेजिस्टेंस होना ज्यादा अच्छा है क्या कंडीशन होती होगी अगर वोल्टेज का रेंज बढ़ा रहे हैं तो मल्टीप्लायर शुड बी ऑफ हायर भी, पूछा हुआ है. का भी पूछा हुआ है, और ये आपको आंसर करना है मोहन का आंसर आ चुका है और करेक्ट आंसर भी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाकी लोगों को भी आंसर करना है ठीक है विथ लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको तो यहां पे जो आपने आरएक्स देखा that Rx is multiplier resistance. मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ठीक है अब डेफिनेटली अगर आरएक्स लगा हुआ है मोहित का भी आंसर आ गया हायर रेजिस्टेंस ठीक है अभी क्लियर है ना कि अगर एमीटर का रेंज बढ़ा रहे हो तो उसकी जो शंट रेजिस्टेंस है वो लो वैल्यू की रहेगी एज कंपेयर टू द मीटर और वोल्ट मीटर का अगर आप रेंज बढ़ा रहे हो तो उसकी 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 सीरीज या उसकी जो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा हाई वैल्यू का सेलेक्ट करोगे आप एज कंपेयर टू द एम ठीक है ज्योति का भी आंसर आ गया है मल्टीप्लायर टेक हायर रेजिस्टेंस बढ़िया वेरी गुड ज्योति राइट करेक्ट आंसर है आपका तो ये कंडीशन है अब मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस अगर मैंने लगा दिया तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा जिसको वी एक्स से डिनोट कर दूंगा मैं यहां से यहां तक का कोई वोल्टेज ड्रॉप हो गया Vx, कुछ करंट ये ले रहा होगा तो आई टोटल करंट जो यहां से जो फ्लो हो रही थी भाई करंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा उस पूरे मशीन में सेम करंट जाएगी ठीक है तो ये राइट है हायर रेजिस्टेंस ज्योति नहीं लिखा हुआ है ना मल्टी प्लेयर्स टेक हाँ मल्टीप्लायर्स टेक हाई रेजिस्टेंस ठीक है बढ़िया वेरी गुड तो चलो अब बाकी के नोटेशन को भी मैं लिख लेता हूं एक्स मैंने लिख लिया है पहले से एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आर एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस वी एक्स इज द वोल्टेज अक्रॉस द मल्टीप्लायर है ना और आई टोटल इज द टोटल सप्लाई करेंट क्लियर है यहां तक

वैल्यू आप फाइंड आपको अगर फाइंड करनी है तो आप बोल सकते हो कि टोटल वोल्टेज को मैं दो पार्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूं कि कौन से दो पार्ट्स में वी एम प्लस वी एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है आप बोल सकते हो कि वी टोटल इज टू प्लस क्लियर है यहां तक अब अगर सपोज वी टोटल को और लिखना है मुझे और इसमें ओम्स लॉ में अप्लाई कर दूं तो वी एम की जगह पर मैं लिख सकता हूं कि आई एम इन टू आर एम प्लस आई एक्स इन आर एक्स ऐसा लिखा जा सकता है यहां पे देखो आप आई एम बोलो या आई एक्स बोलो ये दोनों सेम ही करंट है ये देखो करंट थ्रू एक्स रेजिस्टेंस ये और करंट थ्रू मीटर बोथ विल बी सेम क्योंकि सीरीज सेक्शन की करंट है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि वेयर वेयर आई एम इज इक्वस टू आई एक्स इज टू आई टोटल ये तीनों ही करंट जो है वो एकदम सेम है तो मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं और अब इसके आगे मैं लिखूंगा कि वेयर वी टोटल विल बी नाउ आई इन कॉमन विथ आर एम प्लस आर एक्स ठीक है अब मुझे अल्टीमेटली वैल्यू किसकी चाहिए आर एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और पहुंच जाएंगे अपनी वैल्यू पे सो देअर फोर अब हम बोल सकते हैं कि वी टी अपॉन आई is equals to Rm plus Rx ठीक है और therefore therefore ultimately आप लिख सकते हो कि Rx is equals to Vt upon I minus Rm ठीक तो इसमें से देखो कोई ऐसी चीज है क्या जो हमको नहीं पता होगी ऑन फील्ड तो इसमें से सब चीज पता होगी आपको ऑन द फील्ड ऑन द फील्ड आप अगर आप देखो तो सारी की सारी चीजें आपको पता होंगी कैसे पता होंगी आपको टोटल वोल्टेज कितना मेजर करना है वो भी गिवन रहेगा कितनी मीटर की रेजिस्टेंस है तो वो तो मीटर के प्लेट के ऊपर लिखा रहेगा हमेशा उसकी इंटरनल सेक्शन की रीडिंग पूरी की पूरी रहेगी और वोल्टेज और करंट की वोल्टेज uh, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको पता है तो इन दैट केस आपको सिस्टम का करंट भी गिवन रहेगा क्योंकि आप कितनी जो सप्लाई मेजर कर रहे हो वो तो आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा या पता रहेगा या, रहे या एक रेंज पता रहेगा एटलीस्ट तो उस रेंज के लिए आप इस पूरी मशीन को डिजाइन करेंगे तो इसमें से कोई भी वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग फाइनल अपने फॉर्मुला की तरह लॉक कर सकते हैं ये फॉर्मूला आप अगर यूज करके आप एक मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस को अगर आप डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला तो आपका सिस्टम का सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट आएगा आप एकदम करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएंगे सो दिस वॉज द वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ये आर एक्स जो है दिस इज आवर मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है ना आर ऐसे कैलकुलेट करना है ठीक है ये इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है जो आपको पता होना चाहिए इसमें भी याद रखने वाली कोई चीज नहीं बिल्कुल ईजी है आराम से बनते जाएगा आप लोगों से प्रॉपर अगर आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो, तो जल्दी से आपको थ्योरी पे ले आता हूं लिखा हुआ द मल्टीप्लायर इज अ नॉन इंडक्टिव हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ द इंस्ट्रूमेंट हुज रेंज इज टू बी एक्सटेंडेड ठीक है तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हाईलाइटेड है

जल्दी से आपको मैं दो क्वेश्चन करा देता हूं एकदम आसान आसान से इजी इजी से ताकि आपको थोड़ा समझ भी आ जाए और चीजें आपको थोड़ा सा एक एक कंफर्ट लेवल भी आपको आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चंस किस तरीके के आते होंगे और बाकी कल से तो फिर फुल ऑन सीरीज अपनी शुरू हो ही जाएगी डीपीक्यू की तो चलो अभी का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूं मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज

आकर्ष का आंसर सबसे पहले आ चुका है एनर्जी मीटर आकर्ष ने लिखा है एनर्जी मीटर ऑप्शन था आपके पास पूछा हुआ है कि इंटीग्रेटिंग डिवाइस कौन सी हो सकती है तो इंटीग्रेटिंग डिवाइस जो है वो किस डिवाइस को बोलते हैं जो कि एक टाइम पीरियड की वैल्यू फॉर्म में आपको बताए टोटल करके बताए टोटल वैल्यू बताएगा आपको कि इस ड्यूरेशन इस टाइम से इस टाइम के बीच में जो ड्यूरेशन था इस पूरे ड्यूरेशन में इतनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई लेकिन आपको किसी एक इंस्टेंट की वैल्यू नहीं बताएगा कि उस जैसे आप आपके घर का जो बिजली का जो मीटर होता है ठीक है वो आपको पूरे मंथ की रीडिंग बताएगा लेकिन आप पूछोगे कि भाई बारह तारीख को दोपहर दो, दो बजे कितनी बिजली कंज्यूम हुई तो वो उसमें नहीं लिखा होगा वो आपको नहीं पता चलेगा ठीक है तो ऐसे मशीन को हम लोग बोलते हैं कौन सा मशीन इंटीग्रेटिंग टाइप मेजरिंग डिवाइस तो आंसर तो मैंने अपने एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दिया और आप में से कईयों ने करेक्ट आंसर भी दे दिया ज्योति का भी आंसर आ गया ऑप्शन सी और मोहित का भी आंसर आ गया एनर्जी मीटर ये वही डिवाइस है जिसकी मैं बात कर रहा था आपके घरों का जो मीटर होता है आपके घर में जो बिजली का मीटर होता है

इसका आंसर है सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो आप सबका भी आंसर है करेक्ट ठीक है वेरी गुड तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लिखा हुआ है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर अभी जस्ट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर क्या करना चाहिए आपको फर्स्ट ऑप्शन इज द लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज एस एस सी का क्वेश्चन है एस एस सी का क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है अगर वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ानी है ठीक है तो इन दैट केस लो रेजिस्टेंस या तो कनेक्ट करोगे आप सीरीज में दूसरा ऑप्शन है लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे आप पैरेलल में थर्ड ऑप्शन इज हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड लास्ट ऑप्शन इज हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल हा संजय ने कुछ लिखा हुआ है संजय ने लिखा हुआ है सॉरी सर मैं लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस वीडियोस देखना बाकी है कोई दिक्कत नहीं संजय आप प्रीवियस वीडियोस का पूरा जितना जो अभी तक हो चुका है ना क्रैश कोर्स में आप उसको देख लो कंप्लीट कर लो ठीक है और आप तो प्लस में भी थे हम लोगों के साथ तो प्लस का भी काफी कुछ का नॉलेज होगा आपको बट ये चूंकि एंटायरली थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है ये टॉपिक प्लस में नहीं मिलेगा तो हाँ डेफिनेटली आप प्रीवियस वाले कंप्लीट कर लो और उसके बाद लाइव में आ जाओ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको देखने में ठीक है हो जाएगा जल्दी तो चलो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आया है सबसे पहले ज्योति ने आंसर किया हुआ है ऑप्शन सी फिर सेकंड पे आकर्ष ने आंसर किया ऑप्शन सी ऑप्शन सी है क्या वैसे लिखा हुआ है हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज मोहित का आंसर हाई वैल्यू इन सीरीज मोहन का आंसर हाई वैल्यू इन सीरीज एंड सो में लिखा हुआ है सोम में बहुत देर बाद मैसेज आया आपका बट वेरी गुड करेक्ट आंसर किया आपने ठीक है में ऑप्शन सी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है हाई वैल्यू रेस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज तो वोल्ट मीटर का केस है पहले ही डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो वो तो उतना वोल्टेज ड्रॉप करवा ही नहीं पाएगा जितने की आपको नीड है आपको अगर उतनी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप चाहिए जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट एग्जाम्पल में देखा कि चार वोल्ट मेजर करना है और मशीन आपकी सिर्फ सौ वोल्ट के लायक है तो आपको रिमेनिंग तीन वोल्ट को कहीं भी ड्रॉप करवाना पड़ेगा तो वो उतनी ज्यादा जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप करवाने के लिए आपको उतना ही हाई रेंज का रेजिस्टेंस चाहिए और वो कब पॉसिबल है जब आप एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करें किस में सीरीज में कनेक्ट करें सो डेफिनेटली दिस आंसर इज करेक्ट डेफिनेटली योर आंसर इज करेक्ट तो यही है इसका करेक्ट आंसर हम लोग बिल्कुल इसके लिए कॉन्फिडेंट हैं और आंसर देख भी लेते हैं आंसर देख भी लेते हैं तो आंसर लिखा हुआ है बी जो कि ये रॉन्ग है ठीक है जो ऑप्शन सी था दैट इज करेक्ट योर ऑप्शन सी इज करेक्ट कि हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज ये किसी और का ऑप्शन लिखा हुआ है हो सकता है पॉसिबल है चेक नहीं किया होगा मैंने बट इन दैट केस इन दिस पर्टिकुलर केस ऑप्शन सी इज करेक्ट ये रॉन्ग है दिस इज आवर रॉन्ग आंसर ये करेक्ट आंसर है जो आप लोगों ने बताया हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है ना वोल्टेज ड्रॉप अगर ज्यादा अमाउंट का चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करो तो इसमें कोई डाउट का सवाल नहीं है तो आज का अब सेशन जो है उसको हम लोग करेंगे अब यहीं यहीं एंड एंड ठीक है आज का सेशन करते हैं आप सभी लोग इतने देर तक कनेक्टेड थे उस सबका बहुत सारा थैंक्स ठीक मजा आ रहा है पूरी सीरीज में क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग प्रॉपरली इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हो इसलिए मुझे मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में ठीक है तो हम लोगों के लिए मोटिवेशन यही है जो हार्ट जैसा आकर्ष ने अभी भेजा दिस इज आवर मोटिवेशन हम लोगों की यही फीस है यही खुशी है हम लोगों के लिए तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस मजा आएगा सारी की सारी सीरीज आप ऐसे ही इंजॉय करते हुए पढ़ते चले जाओगे और कब सिलेबस पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा तो मिलता हूं आपसे जल्दी अगले सेशन में डीपीक्यू के लिए तैयार रहना नोट्स आप तक पहुंच चुका है टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड